नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ। ये तीसरा वीडियो है असम टेट का, ये पार्ट थ्री है, तो जल्दी से हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे पार्ट थ्री को। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ मोबाइल थिएटर इन असम। मोबाइल थिएटर जो एक जगह से दूसरी जगह जो थिएटर करते हैं, उनका सबसे पहले वाले जो फादर क्या कौन थे, दैट मीन्स किन्होंने स्टार्ट किया था असम में, तो उनका उनका नाम है ऑप्शन बी अच्युत लखर। ओके, सही आंसर है अच्युत लखर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट असमिस रोमांटिक पोएम बन कुंवरी वॉज रिटन बाय। ओके, बन कुंवरी रोमांटिक कवि पोएम था असम का सबसे पहला, तो इसने इसको किसने लिखा था। इसका सही आंसर है चंद्र कुमार अग्रवाला। ओके, याद रखेंगे चंद्र कुमार अग्रवाला। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, वो हैड इस्टैब्लिश द बरपेटा सत्र इन बरपेटा। बरपेटा का सत्र जो है किसने इस्टैब्लिश किया, ये है माधव देवा। सही आंसर है माधव देवा, ऑप्शन बी। जल्दी से तीसरा क्वेश्चन पे ले जाता हूँ, चौथा क्वेश्चन, दैट मीन्स हु हैड इस्टैब्लिश द बर्मा डायनेस्टी इन असम। बर्मा डायनेस्टी किसने इस्टैब्लिश किया असम में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पुष्य वर्मा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिसिंग पीपल ऑफ असम ओरिजिनली बिलोंग टू। मिसिंग पीपल जो असम में है, जो असमीज है, जो वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से कहाँ से ओरिजिन है उनका, तो इसका ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए ऑस्ट्रोलोइड मंगोलोइड एंड ऑस्ट्रियोस्टिक इंडिया आर्यन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ओके, मंगोलोइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द ओल्डेस्ट मस्जिद इन आसाम। ओल्डेस्ट मस्जिद इन आसाम है ऑप्शन बी पानबरी मस्जिद इन धुबरी डिस्ट्रिक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्वर्गदेव शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ अहोम किंगडम फ्रॉम गढ़गांव टू रंगपुर। गढ़गांव से रंगपुर तक किसने अपने कैपिटल को शिफ्ट किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रुद्रहिंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अहोम किंग इज ऑल्सो नोन एज बामुनी कुंवर। ओके, बामुनी कुंवर किसको बोला जाता था, तो इसका सही ऑप्शन आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में सुतुफा है, देन सुदांगफा, देन सुसेनफा एंड सुखाफा। ओके, ये ऑप्शन है इसका सही आंसर है इसका ऑप्शन बी सुदांगफा को बोला जाता था। ओके, बामुनी कुंवर। ओके, नेक्स्ट है, हु हैड कन्फर गोपीनाथ बरदोले विथ द टाइटल लोकप्रिय। गोपीनाथ बरदोले बोलते हैं फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम है, तो इनको ये लोकप्रिय जो टाइटल मिला, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोले हम बोलते हैं, वो टाइटल किसने दिया। इसका सही आंसर है जयराम दौलत्रम। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट शुगर मिल इन आसाम वॉज इस्टाब्लिश इन। ओके, सबसे पहला ही आंसर इसका है बरुआ बामुन गाँव, जो डेरगांव के पास में है, ये दैट मीन्स वो है। नेक्स्ट, हु ट्रांसलेटेड बाइबल इंटू असमिस। असमिस बाइबिल को असमिस में ट्रांसलेट करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आत्माराम शर्मा। ओके, ऑप्शन ए आत्माराम शर्मा इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज द फर्स्ट प्रिंटेड बुक इन असमिस। असमिस में फर्स्ट प्रिंटेड बुक कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी धर्म पुस्तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द राइटर ऑफ द नोबेल हालोदिया सराय बौधान खाए। ओके, हालोदिया सराय बौधान खाए, इसका राइटर कौन है आपको बताना है। इसका राइटर है होमेन बोरगोहाइन। ओके, सही आंसर है इसका होमेन बोरगोहाइन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इन विच ईयर भूपेन हजारिका वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ असम साहित्य सभा। ओके, असम साहित्य सभा का प्रेसिडेंट कब बने भूपेन हजारिका, तो इससे पहले वाला वीडियो में मैं बता रहा था कि भूपेन हजारिका को दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिला है। ओके, 1992, तो 1992 में उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला और 1993 में ही बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ असम साहित्य सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर ओ मोर अपुनार देख वॉज ऑफिशियली एडोप्टेड एज द असम स्टेट सॉन्ग। असम का स्टेट सॉन्ग है ओ मोर अपुनार देख, तो ये कब ऑफिशियली एडॉप्ट किया गया। इसका सही आंसर है 1927, करेक्ट आंसर इज 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच अहम किंग हैड द शॉर्टेस्ट रिंग ऑफ 21 डेज। कौन सा अहम किंग है जिन्होंने ओनली 21 डेज, ओके, ओनली 21 डेज उन्होंने क्या किया, शासन किया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ओके, समागुरिया रजा। समागुरिया रजा जो है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हु इज द राइटर ऑफ द नोबेल मामरे धरा तरवाल। ओके, मामरे धरा तरवाल, ये इनके लिए, ये जो मामरे धरा तरवाल है, इस बुक के लिए उनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला हुआ है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, तो इनका राइटर है मामोनी रश्यम गोस्वामी। ओके, उनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था 2000 में। ओके, 2000 में उनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हु
हु वाज ग्रेटेस्ट किंग ऑफ पाला डायनेस्टी ऑफ कामरूपा, कामरूपा के पाला डायनेस्टी के सबसे बड़े किंग कौन थे? इसका सही आंसर है धर्मपाला। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी किंग डू यू हैव ड्यूरिंग द अहोम पीरियड, तो हम लोग को कितना किंग मिले असम में जो कि अहोम किंग अहोम के शासन के टाइम में? इसका सही आंसर है 40 किंग। ओके 40 राजा बने। विच वन वॉज द लास्ट कैपिटल ऑफ अहोम किंगडम, अहोम किंगडम का लास्ट कैपिटल कौन है? जोरहाट। ओके जोरहाट लास्ट आंसर है इसका। देन हु एस्टैब्लिश द कोच डायनेस्टी, कोच डायनेस्टी को किसने एस्टैब्लिश किया असम में? दैट मीन्स है बिश्वहिंगा। ओके बिश्वहिंगा सही आंसर है। वेन डिड द ब्रिटिश एनेक्स असम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ने असम को कब एनेक्स किया, कब कैप्चर किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1826 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम असम इन 1963 में कौन सा स्टेट असम से सेपरेट होके गया? इसका सही आंसर है नागालैंड। ओके नागालैंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु हैड लीड द मुगल आर्मी इन द बैटल ऑफ सरायघाट, बैटल ऑफ सरायघाट जो मुगल और अहोम के बीच में लड़ाई हुआ था। ओके 1671 में लड़ाई हुआ था, तो इसमें जो क्या थे आर्मी, ओके मुगल आर्मी को लीडिंग कौन कर रहे थे, मुगल आर्मी का लीडिंग कर रहे थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राम सिंह। ओके मुगल आर्मी का कर रहे थे राम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट असमिस्ट टू गेट द अर्जुन अवार्ड, अर्जुन अवार्ड किसको मिला था? ये है ऑप्शन बी बोगेश्वर बोरुआ, बोगेश्वर बोरुआ को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फकीरुद्दीन अली अहमद वाज, सॉरी ये वाज है, ओके ये वाज है, ओके वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट मीन्स देश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कितने नंबर के प्रेसिडेंट है? तो ये है 5th नंबर के प्रेसिडेंट। तो पहला वाला प्रेसिडेंट आपको याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रेजेंट वाला अभी हमारे जो प्रेसिडेंट है ओके रामनाथ कोविंद, उसको भी याद रखना है। देन और दो क्वेश्चन बता दूं, इससे पहले वाले जो प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी, उनको भारत रत्न मिला हुआ है। ओके देन भूपेन हजारिका को भी भारत रत्न मिला है, वो भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फ्रॉम असम, ओके इंडिया के फर्स्ट इलेक्शन कमीशन दैट मीन्स वो आसाम से हुए। ओके इसका सही आंसर आपको बताना है, ये हरिशंकर ब्रह्मा, उनका सही आंसर है हरिशंकर ब्रह्मा, आसाम से चीफ इलेक्शन कमीशन बने थे। देन हु इज द फाउंडर ऑफ द डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर द असम ट्रिब्यून, असम ट्रिब्यून जो हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसका फाउंडर कौन है? ओके तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राभा गोविंद बरुआ। ओके राभा गोविंद बरुआ है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द फर्स्ट असमीज नोबेल मिरी ज्योरी वॉज पब्लिश, मिरी ज्योरी कब पब्लिश हुआ? ओके ये फर्स्ट असमीज नोबेल है, अगर क्वेश्चन आएगा फर्स्ट असमीज नोबेल तो आपको लिखना है मिरी ज्योरी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ओके 1894 में पब्लिश हुआ। ओके और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रीमंत शंकरदेव डाइड इन द ईयर, ओके शंकरदेव कब उनका डेथ हुआ था? इसका सही आंसर है 1568। ओके ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो आज का ये था 30 क्वेश्चंस, तो होप आपको हेल्पफुल होने वाला है आने वाला टेट एग्जाम के लिए। तो बने रहिए मेरे चैनल में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब करें, और वीडियो को एक लाइक तो जरूर दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।